वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज की इस वीडियो का हमारा मेन एम है चार पॉइंट को, चार सेक्शन को स्टडी करना, जिसमें से पहला सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकेंड होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे इसको यूज करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट होगा हमारा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, उनको हम लोग कैसे चेक करेंगे वो पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। और फिर चौथा पॉइंट एक है इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स, किसको इक्विडिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। ये चार चीज आज हम लोग इस मेन वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन सबसे पहले चैप्टर को जाने, तो इस चैप्टर का नाम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। एक ज्योमेट्री का, एक किसी ज्यामिति का स्टडी करना हम लोगों को करना है कैसे, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके। उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हमें दिए जाएंगे, कुछ पॉइंट दिया जाएगा जो कोऑर्डिनेट के माध्यम से हमें मिलेगा, और उससे हम उस ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। उसके बारे में क्या लेंथ है, क्या एरिया है, ये सब चीज जब उसका हम स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम लोग कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि द प्लेन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू फोर क्वाड्रेंट्स बाय टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेबल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक प्लेन होता है जो चार भागों में डिवाइड होता है, चार भागों में बटा होता है दो एक्सिस की तरह, दो एक्सिस के द्वारा जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एक्सिस को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। ये पूरा हमारा ये जो प्लेन है इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ठीक है, इस प्लेन में क्या होता है, दो एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे अपना एक वैल्यू रहता है, ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता है, इस एक्सिस के थ्रू हमारा कोई एक्स का और वाई का कुछ वैल्यू दिया जाता है और किसी पॉइंट को हमें दिखाया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा और इससे मिलाने वाला एक लाइन बनेगा, तो ये एक ज्योमेट्री हो गया, ए बी एक लाइन हो गया, जो हमारा एक ज्योमेट्री है इसको स्टडी करना है। तो ये जब इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये हम लोग जो एक्स, इसमें जब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो वो कोऑर्डिनेट कहां से आएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट दो तरह के वैल्यू हमें मिलते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए ये है वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर, ये जो है ऊपर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। इस y एक्सिस से अगर कोई पॉइंट कितना दूर है, ये y एक्सिस है, इससे कोई पॉइंट कितना लेफ्ट है या राइट है, कितना दूर पे है, ये चीज जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से इसके बीच की डिस्टेंस जो इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एक पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये उसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्यों x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, क्योंकि ये जो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, अगर हम इसको मेजर करके यहां पे स्केल रखेंगे और उसके स्केलिंग का काम ये हमारा x एक्सिस कर रहा है, तो x एक्सिस का जो वैल्यू आता है वो क्या बताता है, y एक्सिस से कोई पॉइंट कितना दूर है। ऐसे ही जब x एक्सिस से कोई पॉइंट कितना दूर है ये हम चेक करते हैं, तो ये दिखाने के लिए हमें स्केलिंग किसमें करेंगे, y एक्सिस में। इसलिए कोई भी पॉइंट की दूरी जो x एक्सिस से जो दूरी होती है वही क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट। और ध्यान रखेंगे कि x कोऑर्डिनेट को एक्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है हमारा, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट को ही क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलिए अब ये इतना चीज हम लोग समझ गए। देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में, तो जब भी एक कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करके दिखाया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का यूज करके। एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये बात अगर हमें पता चल जाती है तो हम लोग जान जाते हैं क्या कि ये कितना पॉइंट इसमें से दूर है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है, पहले एक वैल्यू दिया जाता है जो एक्स का वैल्यू होता है और बाद में कॉमा के साथ सेपरेट करके दूसरा वैल्यू इसी के साथ लिखा जाता है जो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये दोनों हमें दे करके ये दिया जाता है, ये इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ऐसे बी का भी कोई वैल्यू दिया जाएगा, तो पहले जब इसको लिखा जाता है तो पहला वैल्यू एक्स का होता है और दूसरा वैल्यू वाई का होता है। ऐसे किसी पॉइंट को हमें दिखाया जाता है इसमें कोऑर्डिनेट में। ठीक है, वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। ये था इंट्रोडक्शन।
अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए हम लोग सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। उससे पहले कुछ हम एक दो पॉइंट को देखते हैं, कैसे हम लोग किस किस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे एक ग्राफ दिया, एक कार्टेशियन प्लेन में हम देख रहे हैं क्या कि चार पॉइंट है ए बी सी डी। ये ए बी दोनों एक्स एक्सिस पे लेकर आया और ये सी और डी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर हमें कहता है यहां पे कि ए से बी के बीच की दूरी क्या है, ये फाइंड करने के लिए ए से बी के बीच की दूरी फाइंड करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये बी का जो पॉइंट है, बी कहां पे है, फाइव पे है। अगर हमें ए बी निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे कि बी का कितना है, फाइव पॉइंट है, यहां से यहां का डिस्टेंस इसका पांच यूनिट है और इसका यहां से यहां का डिस्टेंस दो यूनिट है। अगर हम पांच यूनिट में से दो यूनिट अगर घटा दे तो तीन यूनिट ये ए से बी के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें सी से डी का डिस्टेंस पूछता है तो हम लोग आसानी से सी डी निकाल सकते हैं। सी का डिस्टेंस कितना है, तीन यूनिट, इसको अगर डी के छह यूनिट में से घटा देते हैं तो इस दोनों के बीच यहां से यहां तक की दूरी में से अगर यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, छह में से अगर तीन को घटा देते तो हमें क्या मिलता है, तीन यूनिट। तो ऐसे अगर एक ही एक्सिस पे दोनों पॉइंट है ए बी और सी डी, यानी यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पे ए बी है, वाई एक्सिस पे सी डी है, ऐसे अगर दिया हुआ है पॉइंट तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसका क्या डिस्टेंस है। या ऐसे ही अगर एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट, मान लीजिए अगर ए बी और सी डी ना करके अगर हमें एसी निकालने के लिए बोलता है, तो एसी अगर हमें निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्सिस और ये लाइन एक दूसरे को यहां से यहां पे मिला रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका हम लोग आसानी से एसी निकाल सकते हैं। याद होगा आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ये एसी हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस फॉर्म कर रहा है, तो एसी इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं रूट अंडर क्या है, इसको अगर ओ कहते हैं तो ओसी स्क्वायर और प्लस ओ ए स्क्वायर। अगर ये दोनों हम लोग जोड़ देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा वो किसको दिखा देगा, एसी को। यानी कि अगर इस तरह से देखिए तो ओसी हमारा थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए हमारा टू का स्क्वायर हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू टू जा फोर थर्टीन। इस तरह से हम देखते हैं क्या रूट थर्टीन, यहां से एसी हमारा रूट थर्टीन वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही हम बी डी का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात थी जब ये एक्सिस पे ले कर रहा है तब, जब ये पॉइंट एक्सिस पे ही पड़े हुए हैं तब। लेकिन अगर ये पॉइंट एक्सिस पे ना होकर के प्लेन में कहीं और पे हो, जो एक्सिस पे वो पॉइंट ना हो, तब जो अगर हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, मान लीजिए कोई दो पॉइंट ऐसे ही दे दिया जाए ब्लैंक जगह पे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बात ज्यादा मायने रखती है। तो उस तरह को कैसे हम लोग फाइंड करते वो हम अभी बता रहे हैं। जस्ट देखिए कैसे उसको निकालेंगे। एक्सिस पे रहता है तो वहां पे दोनों एक्सिस का वैल्यू नहीं रहता है, जिस एक्सिस पे वो पॉइंट रहता है उसी का सिर्फ वैल्यू रहता है। यानी अगर हम लोग अभी जस्ट देखे तो एक्स एक्सिस पे ए और बी था, तो सिर्फ उसका एक्स का वैल्यू जो देखे थे उस एक्सिस पे क्या वैल्यू था उससे हम लोग उसको सॉल्व किए थे। लेकिन अगर यही पॉइंट जब एक्सिस पे नहीं रहता है तब इसको दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाता है, एक्स का भी आता है और वाई का भी आता है। इस समय में इस दोनों लाइन के बीच का, मान लीजिए इस दो पॉइंट ए से बी के बीच जो लाइन बन रहा है इसका डिस्टेंस या ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इसको फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कैसे आता है, कैसे बनेगा, वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। देखिए ए बी के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी को हम लोग क्या करेंगे, पहले इस एक्सिस से लिंक करते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लिंक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ए को हम लोग यहां से ए से बी एक परपेंडिकुलर और बी से भी एक परपेंडिकुलर यहां पे खींच देते हैं। मान लेते ये सी पॉइंट था और ये हमारा डी पॉइंट था, ठीक है। ये दोनों लाइन इसके पैरेलल ही होगी क्योंकि ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके पैरेलल हो जाएंगे, ये भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसी एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच देंगे। अब चूंकि ये भी इसके पैरेलल है तो ये भी यहां पे परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी पैरेलल है तो इसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे परपेंडिकुलर बनाएगा। मान लेते ये कोई पॉइंट ई होगा, अगर यहां से हम देखें तो फिर से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट मिल रहा है। अगर यहां से हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करना चाहिए तो यहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहां से हम जो है अपना ये पॉइंट जो है इसका लाइन का हम लोग हाइपोटेनियस मान करके फिर से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पॉइंट बना लिए तो अब हमें क्या क्या चाहिए, ये हमें हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हमें तो पहले पता होना चाहिए बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस तो हमारा बीई होगा और इसका परपेंडिकुलर एई होगा, तो बीई और एई क्या होगा ये हम लोग पहले फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, ए है एक्स वन वाई वन,
और बी हमारा क्या है एक्स टू वाई टू, ठीक है। एक्स वन वाई वन मतलब क्या, कोई एक्स का कुछ और वैल्यू वाई का कोई पॉइंट होगा, और एक्स टू बी का कोई एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू अलग अलग दोनों का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या ए ई चाहिए, ठीक है ना, ए ई चाहिए। तो ए ई देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए ई क्या हो जाएगा, तो ए ई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें ये चाहिए दूरी यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक इसकी जितनी ऊंचाई है उतना ही कितना इसका भी होगा, ठीक है। तो जितना इसका लेंथ है यहां से यहां तक का उतना इसका लेंथ होगा, और हमें ये पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है, वाई टू है, और इसका कितना है, वाई वन है, ठीक है। तो अगर ज्यादा तो वाई वन है, तो वाई वन में से अगर हम वाई टू तक को घटा देते तो सिर्फ इसकी लंबाई पता चलेगी हमें, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू में से अगर वाई वन को घटा देते हैं, सॉरी वाई वन में से अगर वाई टू घटाएंगे, y1 greater है, y2 short है, ठीक है। y1 में से हम लोग y2 को घटा देते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, BE चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, BE को find करते हैं। तो BE हमारा क्या हो जाएगा, BE देखिए यहाँ से यहाँ तक के distance को अगर यहाँ से यहाँ तक के distance में से घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक के distance में से अगर यहाँ से यहाँ तक के distance को घटाएंगे तो हमें BE मिलेगा। और यहाँ से यहाँ तक का distance क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का distance है हमारा x2, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2, और उसमें से हमें घटाना क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा x1। तो अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये BE पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस एक्सिस पे किए थे, दोनों पॉइंट को घटा रहे थे जब एक्सिस पे हमारा पॉइंट था, सेम वही कॉन्सेप्ट को यहां यूज करके इसकी लेंथ को हम लोग ऐसे मापे हैं। अब हमें क्या मिल गया, ए मिल गया और बीई मिल गया, और हमारा हाइपोटेन्यूस ए भी है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से जो AB होगा वो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू रूट अंडर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर होता है, ठीक है, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो हमारा जो ये AB होगा इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर, AE क्या है y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस BE क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को अगर हम x वाले को पहले लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहां पे वाई वन माइनस वाई टू था और यहां पे हम वाई टू माइनस वाई वन लिख दिए, तो थोड़ा सा ये आएगा कि अगर वाई टू माइनस वाई वन किए वाई वन माइनस वाई टू किए तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अगर मान लेते हैं छह में से तीन घटाते हैं तो यहां पर तीन मिलता है, ये हमें पता है, और तीन में से छह घटाएंगे तो माइनस तीन मिलेगा, ये दोनों अलग वैल्यू है हम जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, ये स्क्वायर वाला टर्म क्या करेगा, अगर छह में से तीन को घटा करके उसका स्क्वायर करके तीन का स्क्वायर भी नाइन ही आएगा, और तीन में से छह को घटा के स्क्वायर करेंगे तो माइनस तीन का स्क्वायर भी नाइन ही आएगा। इसलिए अगर हम वाई टू माइनस वाई वन लिखे या वाई वन माइनस वाई टू लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम उसको चेंज कर दिए तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि दो पॉइंट के बीच की अगर कोई प्लेन में दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर दो पॉइंट है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, या ए बी ना लिखा हो पी क्यू हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट है एक का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है दूसरे का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, तो दोनों में क्या करना है हमें कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक के एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट से घटा के उसका स्क्वायर कर देना है प्लस दूसरे के और y एक का y के कोऑर्डिनेट को दूसरे y के कोऑर्डिनेट से घटा करके उसका स्क्वायर कर देना है और दोनों को जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा उस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए स्क्वायर रूट जब हटता है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में कंडीशन आता है कि अगर प्लस पॉजिटिव का भी स्क्वायर करें तो पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव का स्क्वायर भी करें तो पॉजिटिव ही आता है, सॉरी। तो जब पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहां पे दोनों वैल्यू आ सकता है। अगर नाइन का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जरूरी नहीं है प्लस थ्री हो, माइनस थ्री भी हो सकता है, क्योंकि माइनस थ्री का स्क्वायर भी नाइन ही होता है, तो इस कंडीशन में प्लस माइनस दोनों वैल्यू आता है। तो जब इसका रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन हम जानते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला का एक हम लोग यूज करेंगे एग्जांपल लेकर के, और उसको हम लोग देखेंगे कैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा देखने में इसको समझने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो यहां ध्यान से देखिए एक बात।
हम लोगों ने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो क्या किया था, ए से सी को मिलाया था और इसके पैरेलल खींचा था। तो ये ए क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या बता रहा है कि ये वाई एक्सिस से कुछ दूरी पे है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे है। तो ये यहां से यहां तक जो दूरी ए पॉइंट का बता रहा है, ये वाई वन जो है वो पूरा यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है। और हम लोग जो ए ही फाइंड किए उसमें क्या किए, यहां से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी घटाए। अब यहां पे क्या हुआ, ये और ये दोनों तो पैरेलल ही है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी है इसमें, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना इसका भी लेंथ होगा। तो ये लेंथ क्या होगा, तो इसका एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो इसका लेंथ होगा, और इसका एक्स एक्सिस से दूरी जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई टू यहां का पॉइंट होगा, यानी यहां तक होगा इसकी लेंथ जो होगी वाई वन हो जाएगी और इसकी लेंथ जो होगी वाई टू हो जाएगी। इसलिए वाई वन में से अगर वाई टू को घटाते तो ए ही हमें मिल रहा था, ठीक है। ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट में भी हम लोग किए थे जो बी ई मिला हमें, ठीक है, तो उससे हम लोग फॉर्मूला ड्रॉ किया। चलिए अब इसके साथ हम एक एग्जांपल इसी का देखते हैं, क्या है वो एग्जांपल। देखिए यहां पे हमारा एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू है, फॉर्मूला हमें ये मिला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, ए का वैल्यू है 6 8 और बी का वैल्यू है 10 4। अगर कोई पॉइंट होगा जो ए होगा उस एक्स एक्सिस में, उसका वैल्यू 6, ये ए पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस से 6 पॉइंट इधर और वाई एक्सिस से 8 पॉइंट इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें 6 8 और बी 10 4। ये हमें दिखा रहा है क्या, कि ना तो ये एक्स एक्सिस पे लेकर रहा है ना वाई एक्सिस पे, ये कहीं प्लेन में किसी जगह पे लेकर रहा है, जैसे ये दोनों लाइन है, दोनों पॉइंट है हमारा प्लेन में, ठीक है, वैसे ये दोनों कहीं पे होगा। तो इस दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ए बी, तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, तो पहले एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन, देखिए दोनों में से किसी को भी एक्स टू एक्स वन मान सकते हैं, किसी को भी एक्स टू मान सकते हैं, किसी को भी एक्स वन मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले का ही जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक्स वन मान लेते हैं, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट इसका है उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट वाई वन मान लेते हैं, इसका एक्स टू मान लेते हैं और इसका वाई टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो वाई टू हमारा क्या है 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4 माइनस 8, यहाँ पे 8 माइनस 4 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 4 माइनस 8 भी निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव आएगा, स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव, अगर 8 माइनस 4 पॉजिटिव रहता उसका स्क्वायर भी करते पॉजिटिव और वैल्यू भी सेम आता, ठीक है, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। रूट अंडर 10 माइनस 6 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 4 16 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 4 16, ये हो जाएगा कितना 32, और 32 कितना होता है 2 into 16, यानी कि अगर हम चाहे तो 16 का रूट होता है लेकिन 32 का नहीं होगा, तो 16 के लिए हम लोग 4 लिखते हैं, 4 और रूट 2 लिखेंगे तो ये 32 के लिए आ जाएगा, तो 4√2 यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं है इसका लेंथ किसमें मेजर किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट ही लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसका भी वैल्यू किसमें रखेंगे, यूनिट में ही रखेंगे। तो ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ कोलिनियर पॉइंट्स जानेंगे क्या होते हैं, और इक्विडिस्टेंस पॉइंट तीसरा और चौथा सेक्शन आप देखते हैं। चलिए कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है, तो कोलिनियर पॉइंट्स आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे अच्छे से। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यहां पे देखिए दो पॉइंट मिलकर के एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन बनता है, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स दो पॉइंट से नहीं होता है, तीन पॉइंट्स मिनिमम, तीन पॉइंट या तीन से मोर अधिक पॉइंट होगा उनको कोलिनियर कहेंगे। कब कहेंगे, तब कहेंगे उन तीनों पॉइंट को हम लोग कोलिनियर, या तीन से अधिक पॉइंट को कोलिनियर, जब वो सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे ले करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट एक लाइन किसे ए बी मान लेते, एक लाइन है हमारा, और अगर इसी पे कोई पॉइंट सी भी है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होगा, नहीं तो इन केस अगर ये सी इस लाइन पे नहीं है तो वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये चीज तो जान गए कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर हमें कोई तीन पॉइंट दे दिया गया और पूछा जाएगा कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो फिर इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको फाइंड आउट करने का दो मेथड है हमारे पास, पहला मेथड होता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, या तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, और या तो हम लोग यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, ये बात अभी तक हम लोग नहीं देखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अभी तो हम लोग जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला को ही जाना है। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास, अगले
टॉपिक हो सकता है हमारा, ठीक है, तो उसका हम लोग आगे कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है क्या। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है कि एक ट्रायंगल तीन पॉइंट से जब पॉइंट हमें मिला होता है, तीनों पॉइंट से को अगर एक दूसरे से मिला दे तो वो क्या बनाता है, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। मान लीजिए एक पॉइंट है ए यहाँ पे, एक पॉइंट है बी यहाँ पे और एक पॉइंट है सी यहाँ पे। अगर इस तीनों को मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये बनाता है ट्रायंगल। और इससे क्या होता है, जब एक ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल कुछ ना कुछ अपने अंदर सरफेस इंक्लोज करता है, तो उस सरफेस को, ये जो सरफेस इंक्लोज करेगा तो वो कुछ ना कुछ एरिया बनाएगा। और जब उस वो एरिया बनाता है तो इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तीन पॉइंट दिया जाता है तो हम लोग एरिया निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है अलग से, उस फॉर्मूला को ही एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है कि जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कब बनेगा, जब तीन पॉइंट अलग अलग जगह पे, देखिए अगर ये थोड़ा सा भी, ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे, ठीक है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इससे हटा है तो ये ट्रायंगल बना रहा है। अगर इनके मान लेते बी और सी ऐसे ही रहता और ए बी सी पे आ जाता तो क्या ये ट्रायंगल बनाता, नहीं, तब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता, तब ये कोई ट्रायंगल नहीं बनाता। और जब कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जीरो। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो जीरो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा जीरो की इक्वल आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। लेकिन फिलहाल तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला नहीं पढ़े तो विदाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला को यूज किए हुए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला का यूज करके ये कोलिनियर पता करना बहुत ईजी है, सिर्फ उसमें तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, एरिया निकालेंगे, जीरो आ गया तो कोलिनियर है, नहीं जीरो आया तो नहीं है कोलिनियर, तो वो इजी है। लेकिन वो अभी पढ़े नहीं है, इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला को यहीं पे छोड़ रहे हैं। हम लोग अभी जो पढ़े डिस्टेंस फॉर्मूला, बस उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अभी पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या जाने, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका कुछ एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x3 y3, तो तीनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट रहेगा। हमें पता करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखिए ये कोलिनियर है मतलब तीनों एक ही लाइन पे होंगे, और एक ही लाइन पे होंगे तो जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो वो एक तीसरा पॉइंट जो है कहीं कहीं तो किसी दो पॉइंट के बीच में आ जाएगा, या थोड़ा सा आगे पीछे हो लेकिन उस दोनों के बीच में ही ले करेगा कहीं पे भी। और ये क्या करेगा, इसको दो टुकड़े में बांट देगा, इस लाइन, ये लाइन कितने पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पॉइंट में, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि यहां से यहां तक अगर दो पार्ट बना, मान लेते ये पॉइंट तीन जो ये बीच में है, तो यहां से यहां एक टुकड़ा बन गया और यहां से यहां तो दूसरा टुकड़ा बन गया, ठीक है। और अगर इस टुकड़े का, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, मतलब क्या है, ये जितना टुकड़ा होगा और इस टुकड़े को जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हमें मिल जाएगी। इस दोनों टुकड़े को जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ हमें मिल जाएगी। तो अगर ये पॉइंट, अब इसमें क्लैरिटी क्या है, जो ये अगर ये पॉइंट जो है कोलिनियर ही होगा अगर ये दोनों मिल गया। देखिए अगर थोड़ा सा भी ये पॉइंट मान लेते इस लाइन पे ना होकर के थोड़ा सा भी हटा हुआ रहता तो यहां से यहां की कुछ और डिस्टेंस आ जाएगी और यहां से यहां तक की कोई और लेंथ आ जाएगी। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये लोग, ये तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर इस लाइन से थोड़ा सा भी हटेगा तो ये दोनों का जितना ये मिलकर के एक लेंथ टोटल क्लियर करेगा, ये दोनों के बीच का लेंथ रहेगी उससे थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बढ़ ही जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो हम ये जान जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं दो टुकड़े का जो लेंथ होगा उसको जोड़ने पे अगर वो टोटल के लेंथ के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो तीन पॉइंट हमारे पास होगा, हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, तीनों पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तीनों ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ए से सी के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, बी सी क्या होगी, ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट है, लेकिन कभी कभी ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कौन पॉइंट बीच में आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको हम पहले माने, किसको बीच में माने। तो उस समय हम लोगों को क्या करना होता है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जब इस तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ए बी बी सी ए सी तीनों फाइंड जब करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को वहां पे देखना होगा
क्योंकि जो सबसे बड़ा एंड होगा, जो दोनों एंड से मिलकर के लाइन होगा, उसका लेंथ सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बीच का डिस्टेंस सबसे बड़ा होना चाहिए। तो जो बड़ा नंबर आएगा, मान लो इसका कुछ वैल्यू आ गया x, इसका कुछ y और इसका कुछ z, तो तीनों में से जिसका बड़ा वैल्यू आएगा उसको छोड़ देना, और जो छोटे छोटे वैल्यू वाले दो पॉइंट आएंगे, मान लेते हैं z सबसे बड़ा है, z सबसे बड़ा है, x एंड y दोनों से क्या है, z बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई निकालेंगे, ठीक है। अगर x प्लस वाई जेड के बराबर आ गया, x प्लस वाई, देखिए जेड बड़ा होना चाहिए और x और y छोटा होगा, ठीक है। तो जब x प्लस वाई जेड के बराबर आ गया तो ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर x प्लस वाई जेड के बराबर नहीं आया, जेड से बड़ा या जेड से छोटा आ गया, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, कोलिनियर नहीं है। यानी कि हमें करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से सी का, सी से बी का और ए से बी का। फिर क्या करेंगे, दो तो जो स्मॉल नंबर होगा जिसका लेंथ छोटा छोटा आएगा, उस दोनों छोटे वाले को जोड़ेंगे, और अगर वो बड़े वाले के इक्वल आ गया दोनों का सम, तो ठीक है ये कोलिनियर है। अगर सम इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, मतलब ये तीसरा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जान जाएंगे कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। अब बात कर ले रहे थोड़ा सा इक्विडिस्टेंस पॉइंट का, चौथा टॉपिक है हमारा इक्विडिस्टेंस पॉइंट। तो ये इक्विडिस्टेंस पॉइंट का जो बात हो रहा है, ये इक्विडिस्टेंस मतलब होता क्या है, इक्विडिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं सम दूरस्थ। सम दूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जो समान दूरी पे स्थित हो, यानी कि अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी, इससे कोई ठीक इतनी दूरी पे है कि जितना उसका ए से डिस्टेंस है उतना ही बी से है, हो सकता है इसी लाइन पे हो, ठीक बीच में सी, तो जितना ए से सी के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही सी से बी का भी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी एक्स एक्स इक्वल होना चाहिए, तो ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस होगा। अगर हो सकता है इसमें लाइन पे हो भी या नहीं भी हो, तो भी अगर दोनों का दोनों पॉइंट से ए से बी और बी से भी अगर सी का डिस्टेंस जो है इक्वल आता है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विडिस्टेंस। क्योंकि इक्विडिस्टेंस मतलब होता है सम दूरस्थ, यानी कि समान दूरी पे स्थित है, इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पोजिशन है, तो ये इक्विडिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चार पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और यहीं तक हमारा आज का वीडियो रहेगा, ठीक है, चलिए।